आपको डीजल BS6 की गाड़ी लेनी है 2022 में, अब तो अक्टूबर हो गया 2023 में, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देनी चाहिए? हमारे पास है अभी थार BS6 डीजल, हमारे पास है अभी निक्सॉन BS6 डीजल। जो प्रभात भाई है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं यार, ये गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, BS6 का क्या है, क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, और ये 3,500 किलोमीटर भी चल के आई है लद्दाख से, वो भी चल के आई, एक बार भी इशू आया आपको? कोई इशू नहीं, मुझे भी कोई नहीं आया, ऐसा क्यों? वो हम बात करने स्टूडियो में। प्रभात भाई, तो आजकल जो भी BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं स्पेशली डीजल में, उनमें आपको पता होगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर आ रहा है और वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कुछ में गाड़ियों में। जैसे थार है तो इसमें आपको एग्जॉस्ट फ्लूड भी डलता है अलग से, पर नेक्सॉन में वो चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ एक फिल्टर है। फिल्टर इसमें भी है लेकिन इसमें आपको फ्लूड के साथ फिल्टर मिलता है, उसमें आपको बिना फ्लूड के सेटिंग करी जाती हैं, कैलिब्रेट करे जाते हैं, तो उनमें मतलब आपको ऑलमोस्ट 100-110 तक नहीं देती कंपनियां जनरली, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में बुरखा में DEF नहीं देता। जनरली 1500 सीसी से कम की जो भी है ना उसमें आपको नहीं मिलेगा, 1500 सीसी से ऊपर में आपको DEF नहीं, नहीं पर बुरखा में भी जैसे नहीं है, 2.6 है वो, उसमें भी नहीं है, तो कैलिब्रेट कर देते हैं लेकिन वो पावर ही नहीं है उसमें, 90 हॉर्स पावर निकालती है, तो वो वाली चीज है। तो अब इसे हेल्दी कैसे रखना है, जो इसमें दिक्कत आती है बेसिकली, इसमें कंपोनेंट्स जमा हो जाते हैं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आपके चोक कर देते हैं उसे फिल्टर को, और जो हमने एक वीडियो में दिखाया अभी था आपको विनोद भाई के यहाँ, वो वीडियो मिलेगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, तो वो चीज़ चोक हो जाती है, और जब वो चोक होती है तो इश्यूज आते हैं, फिर आपको ये साफ़ करवाना पड़ता है या कंपनी में जाना पड़ता है रीजन के लिए। तो आप लोग सबसे पहले तो DEF के आपका जो सिग्नल आता है गाड़ी में वो इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, और दिक्कत भी तभी आती है जब हम उसे थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं, और शोरूम वाले आप लोगों को बताते नहीं है, वैसे शोरूम वालों को भी बताना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत उनको नॉलेज देनी चाहिए यार, मुझे तो बहुत मतलब वो लगता है कि यार कोई बंदा गाड़ी ले उसको पता ही नहीं BS6 क्या है, अगर उसको नहीं पता ना वो बहुत परेशान रहेगा, बहुत परेशान रहेगा, वही चीज चाहते हैं हम, परेशान ना और फिर उनके एक्सपीरियंस खराब होंगे। बिल्कुल, तो उन्हें भी बताना चाहिए कि आप उसका टेक केयर कैसे करें जिन गाड़ियों में DEF आपको आ रहा है, तो हम बताएंगे उसके बारे में। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कभी लाइट आती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लाइट आए ही ना, ऐसा क्या करें कि लाइट आपको आए ही ना, तो आपको प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। तो लाइट ना आए इसके लिए आप अगर रेगुलर सिटी कंडीशंस में चल रहे हैं, है ना, तो आप ऑब्वियस है कि स्लो स्पीड पे गाड़ी मूव होती है, हाई रेव नहीं कर पाती गाड़ियाँ, तो वहाँ आपको ये करना है कि जैसे 3-4 दिन में या कभी भी आपको, आप जनरली कभी भी आपको दिन में भी आप अगर ज़्यादा रन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा खुला पैच मिल गया तो छोटे गियर्स में सेकेंड या थर्ड गियर में 2500 RPM से ऊपर अपनी गाड़ी को रेव करके रखें और चलने दें बस, मतलब आपको गियर शिफ्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक है तो उसे मैनुअल मोड में, जैसे AMTs में नेक्सॉन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसे आप मैनुअल मोड में डाल के, अगर सेकेंड गियर लाइक स्पीड है तो सेकेंड गियर में, थर्ड लाइक है तो थर्ड में बेस्ट रहेगा, तो उस गियर में डाल के आपको रखना क्या है कि 2500 पे जैसे आपको मेंटेन रखना है RPM और उस पर चलने देना है गाड़ी को 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, वैसे 15 मिनट तक बेसिकली रीजन माना जाता है, अगर कुछ दिक्कत है तो वो ठीक हो जाएगी आपकी, पर आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उसमें रेव करेंगे तो वो बर्न होके कंपोनेंट्स सारे ठीक हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए उसको बर्न होने के लिए, जैसे वो पहुंच जाता है वो बर्न होके, अब बहुत सारे लोग का सवाल ये भी था, कहते हैं कि बर्न होगा तो फायदा क्या है, वो तो एनवायरमेंट में मिल रहा है, धुआं और वो ऐश बन के उसमें अंतर होता है, तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट कम कर देता है वो, बर्न करके मतलब बर्न करके निकाल रहा है वो पॉल्यूटेंट्स, मतलब आपके एग्जैक्टली जैसे वो हो रहे हैं वो नहीं निकल रहे हैं आपके, वो मतलब बर्न होने के बाद निकल रहे हैं, तो मतलब रॉ कंपोनेंट्स वो बर्न कर देता है, तो उसमें बहुत नुकसान नहीं है, तो यही चीज़ है। और आप अगर हाईवे ट्रिप्स हैं आपके फ्रीक्वेंट तो शायद आपको दिक्कत ना भी आए, अगर आप मोर ओवर हाईवेज प्रेफर करते हैं, हाईवे पे आपका आना जाना है, और अगर आप शहर में हैं और आप थोड़ा बहुत कभी हाईवेज पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी रीजन करते रहें। और फिर बात आती है आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस की, जैसे हम गए थे लद्दाख, वहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग बात कर लेते थे कि अब मतलब थोड़ा बहुत पैच मिलता था तो आगे मैं चल रहा था, है ना, तो अपन बात कर लेते थे कि अब रीजन कर लेते हैं, पेट्रोल वालों को तो ऑब्वियस है कोई दिक्कत नहीं थी, पेट्रोल वाले इस मामले में खुश रहते हैं, उनको फ्यूजन करना, थोड़ा सोचना भी नहीं पड़ता उन्हें ऐसी जगह कि कोई इशू आएगा DEF वगैरह से रिलेटेड। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग थर्ड गियर में गाड़ी लगा के और 60 की स्पीड, मतलब वही 2500 RPM या थोड़ा बहुत 2600-2700 RPM पे गाड़ी को खींचते थे, कई कई किलोमीटर तक, मतलब आप खींचे 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, फिर अपना नॉर्मल, तो हमें कभी कोई लाइट भी नहीं आई और कोई इशू भी नहीं आया, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। और अब बात करते हैं कभी लाइट आ जाए आपको वो, है ना, तो वो हम लोग दिखा देंगे कैसी लाइट आ सकती है आपको, और उस पर बात कर लेते हैं अब। तो उसमें क्या चक्कर होगा कि उसमें अगर आपकी लाइट आ गई तो उसमें आपको दो फैक्टर हैं, अगर आप सिटी में ही हैं और आप नहीं निकल सकते कहीं बाहर हाईवे वगैरह पे,
तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं, एक ही ऑप्शन है ना, तो वो लोग आपकी गाड़ी को रिजन कर देंगे। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद करना चाहें, ना मन करे, आपका सर्विस सेंटर दूर है, कुछ भी चक्कर है, निकल जाओ तो आप किसी भी खाली रोड पे या रात को लेट नाइट निकल जाइए, वैसे आजकल रश काफ़ी होता है, तो सिटी के आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं आप, या जैसे हम खड़े हैं एक सुनसान जगह पे, ऐसी जगह NH9 आप प्रेफर कर सकते हैं, या समझ गए होंगे आप लोग कहाँ जाना है। तो खुली सड़क पे वही सेकंड या थर्ड, खुली रहेगी तो थर्ड में लगाइए, 60 की स्पीड पे भगाते रहिए गाड़ी को, अपने आप आपकी गाड़ी रिजन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, है ना। और कोई सवाल? बस यही है, तो वही हम चाह रहे थे कि एक वीडियो बने प्रॉपर, कोई गाड़ी लेने वाला है, डीजल गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है, ये चीज़ें पता नहीं है उसको, तो उसके लिए फिर कहेगा यार सब दिक्कत, तो हम चाह रहे थे कि उनको पता चले, तो रुक भी जाते हैं रास्ते में, तो ब्लॉग बनाने का वीडियो बनाते तो हम आपके लिए वीडियो लेते हैं, और लोग रुक भी जाते हैं भाई, बहुत दिक्कत होती है अगर वो ज़्यादा हो गया तो गाड़ी नेक्सॉन वगैरह लिंप मोड में चली जाती हैं, और फिर मतलब आप लोग के साथ भी कभी ऐसा हो कि गाड़ी में लाइट आ रही है और गाड़ी आपकी ऐसा होता है कि रेव नहीं करती, चलती नहीं है, तो गाड़ी अपने आप को प्रिवेंट कर रही है, बचा रही है अपने आप को ताकि इंजन पे लोड ना आए, ख़राब ना हो गाड़ी, इसलिए वो गाड़ी ऐसा करती है। तो लिंप मोड पे गाड़ी है तो आप धीरे धीरे नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे पहुंच जाएं, अपना एग्जॉस्ट क्लीन करवा लें अगर उसकी ज़रूरत है तो, नहीं तो वो रीजन करके आपको गाड़ी दे देंगे, और रीजन में वही आधे घंटे तक वो स्टार्ट करके रखेंगे, उसमें RPM हाई रहता है, थोड़ा फ्लक्चुएशन करता है, और दो बार वो करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। खत्म हो जाएगा। हाँ तो इतना ही था, और किसी का कोई सवाल हो अगर मन तो कमेंट में पूछ लीजिए, जो हमसे या तो छूट गया हो या हमने बात उस पर ना करी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेल पे पूछ सकते हैं, हम लोग बता ही देते हैं बाकी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।